देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इनका श्वास बंद हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी का श्राप लगा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। छोटी छोटी सुन लिया तूने? छोटी वैद्य जी ने क्या कहा सुन लिया तूने? अब भी समय बचा है छोटी, महालक्ष्मी से क्षमा मांग ले, उनके पैर पड़ छोटी, अब भी समय है, मान जा। ऐसा सर्वनाश मत होने दे बहन, ऐसा सर्वनाश मत होने दे, मत होने दे सर्वनाश छोटी, मान जा, मान जा, मान जा, मान जा। छोटी आंखें खोलिए ना, ए जी सुनिए ना, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए ना, मुझे छोड़कर जा रहे हैं। छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ बड़ी बहू, क्यों ऐसा सर्वनाश किया अपनी छोटी देवरानी का? रात भर घर से बाहर रहकर जादू टोना किया और इसी कारण आपके छोटे देवर की अकाल मृत्यु हो गई। हाय हाय, हाय हाय। नापित बहू, तुमने तुमने ही सब जादू टोना किया है, तुम इस सर्वनाश का कारण हो। मिट्टी को मोहर बनाने के लिए किसी को भी घर में लेकर आ गई। अब तो मुझे लग रहा है कि ये सब तुमने ही किया है। पता था ऐसा ही कुछ कहेंगी आप, किंतु मैं कहती हूँ ये सब कुछ लक्ष्मी पूजा का फल है। मालिक के धान खेत जल गए, मालिक स्वर्गवासी हो गए, इस घर में अशांति फैल गई और अब ये दुर्घटना हुई। और यदि आपकी माँ लक्ष्मी की इतनी महिमा है तो आप इतनी प्रार्थना कर रही हो, तब भी
वो यहाँ आकर छोटी बहू की मांग के सिंदूर की रक्षा क्यों नहीं करती? जाओ देवी, आशीर्वाद देता हूं तुम सफल रहो। मैं कह रही हूं वो आएंगी, मुझे विश्वास है वो आएंगी। उनकी महिमा अपार है, इस घर में उनका बहुत अपमान किया गया है, तब भी वो आएंगी। उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं। बुलाओ अपनी माँ लक्ष्मी को, कहाँ है वो? मैं भी देखती हूँ वो कैसे छोटी बहू के सुहाग की रक्षा करती है। बुलाओ उन्हें, मैं भी देखती हूँ उनकी कितनी महिमा है। वो आ गई है। सिंदूर लाई हूँ, माँ लक्ष्मी का सिंदूर। लेंगे आप लोग? ये सिंदूर अक्षय सिंदूर है। ये कभी नहीं मिटेगा। सिंदूर लेंगे, माँ लक्ष्मी का सिंदूर। लक्ष्मी आई है अपनी भक्त की रक्षा करने। मुझे नहीं पहचान पाएगी, किंतु मैं श्री लक्ष्मी को इस घर में प्रवेश नहीं करने दे सकती। रोकना होगा, किसी भी उपाय से रोकना ही होगा। मुझे देखकर इतना चौक क्यों गई है? तो क्या यही अलक्ष्मी है? माया द्वारा स्वयं को छुपा कर रखा है। मनुष्य रूप धारण करके माया द्वारा स्वयं को छिपा लूंगी। अरे तुम
आई हो? अंदर आओ ना। देख छोटी, तेरा सौभाग्य लौट आया है। इसे संभवतः माँ ने भेजा होगा, इसी ने तो हमारी माँ को। रुक क्यों गई बड़ी बहू? बोलिए, कौन है ये? आप जानती हैं इसे? जो सती सावित्री है, जो संसार में श्री उत्पन्न करती है, वो सभी मुझे पहचानते हैं। कि सब मेरा ये सिंदूर मांग में लगाती हैं। आप यदि मुझे अपने घर में प्रवेश करने दें, तो आप भी ये सिंदूर लगाकर अपने स्वामी की रक्षा कर पाएंगी। कहिए बहू, मुझे प्रवेश करने देंगी अपने घर में? सावधान बहू, ये सब कुछ आपके जेठानी की चाल है, इसमें मत पड़ो, विपदा और बढ़ जाएगी। सावधान बहू सावधान, सर्वनाश हो जाएगा। नापित बहू, और क्या ही सर्वनाश होगा अब? वैद्य जी ने तो बोल ही दिया है ना। एक बार लक्ष्मी की महिमा देख ही लेती हूँ, देखती हूँ कितनी शक्ति है माँ लक्ष्मी के सिंदूर में। बहू, दिखाओ मुझे माँ लक्ष्मी के सिंदूर की शक्ति, देखूं मेरे स्वामी की वो रक्षा कर पाएंगी या नहीं। बात मत सुन छोटी, तू सबसे पहले माँ लक्ष्मी का सिंदूर मांग में भर ले, छोटे देवर जी का जीवन बचा ले। मान जा, माँ लक्ष्मी का सिंदूर मांग में भर ले छोटी।
मुझे अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे छोटी बहू धक्का मार के श्री लक्ष्मी को विदा करे। बड़ी बहू, आप छोटी बहू से ये सिंदूर लगाने क्यों कह रही हैं? आपकी सासू माँ ने आपसे कहा है ना, छोटी बहू को विधवा रूप में देखना चाहती है, यही ना? वो इस घर से बदला लेना चाहती है। मेरी सासू माँ? वो तो मर गई है ना? नहीं मरी, नहीं मरी, वो जीवित है, जंगल में है, इस बहू के घर में है। कहा था ना मैंने, वो आप सबके स्वामी को मारना चाहती है, वही कर रही है इस बड़ी बहू के साथ मिलकर। रात को आपकी बड़ी बहू आपकी सासू माँ के ही पास गई थी। पूछो ना पूछो, गई थी या नहीं पूछो। माँ, माँ सच में जीवित है? कहाँ? बड़ी दीदी, आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। मैं कैसे बताती तुम्हें? तुम सबने ही तो उन्हें राक्षसी कहकर इस घर से बाहर निकाल दिया था। इस करुणामयी बहु ने उनकी रक्षा की है। महालक्ष्मी की भक्त है इसलिए इसके घर में आश्रय दिया। माँ तो अब भी प्रतीक्षा कर रही है कि कब इस घर में लक्ष्मी लौटेंगी। तुम ही अलक्ष्मी, अब कोई संदेह नहीं है। मेरे भक्त का सर्वनाश किया है तुमने। आज यदि तुम्हारी माया नष्ट ना कर पाऊं तो मेरी समस्त माया व्यर्थ है। महालक्ष्मी धीमहि महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। तुम्हारी करुणा अपार है देवी, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई विभेद ही नहीं है। इतना कुछ होने के पश्चात भी तुम सुलता की रक्षा करने का प्रयास कर रही हो। सत्य ही देवी, जो तुम्हारी महिमा समझ पाएंगे, जो तुम पर विश्वास करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, वो कभी भी तुम्हारी करुणा से वंचित नहीं होंगे। कभी कोई विपदा नहीं आएगी उन पर। देखिए आपके स्वामी को। आपके स्वामी
आपके सामने अंतिम सांसें ले रहे हैं। क्या करेंगी आप अब? क्या आप अभी सबकी बातें सुनेंगी? या ये सिंदूर मांग में भर कर देखेंगी कि स्वामी जीवित होते हैं या नहीं। ऐसे भी तो आपके पास खोने को कुछ नहीं है। क्या करेंगी आप अब? अभी आप सबकी बातें सुनेंगी या ये सिंदूर मांग में भर कर देखेंगी आपके स्वामी जीवित होते हैं या नहीं? क्या करेंगी अब आप? अभी आप सबकी बातें सुनेंगी सावधान बहू, इसकी बातों में मत आना। छोटी देर मत कर, छोटी अब बिल्कुल देर मत कर। सावधान बहू, इसकी बातों में मत आना। छोटी तो इसकी बात मत सुन, सिंदूर जल्दी मांग में भर। सिंदूर लाई माँ लक्ष्मी का सिंदूर। अपनी सास के जैसे आप भी अपने स्वामी को मारेंगी क्या छोटी बहू? लेंगे आप लोग ये सिंदूर मांग में भर कर देखेंगी? सावधान बहू, मत सुनो इसकी बात, आप पछताएंगी बहू। जितना भी श्वास बचा है वो भी नहीं रहेगा इस सिंदूर के कारण, मैं कह रही हूँ बहू। ऐसे भी तो आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है। सदा सुहागन रहो तुम्हारे मांग का सिंदूर और हाथों की चूड़ी अक्षय रहे। नहीं कर सकती हो श्री लक्ष्मी, कदापि नहीं। महालक्ष्मी धीमहि महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। माँ,
माँ, माँ, इसका मतलब आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है माँ, सुन ली है। अब मुझे कोई भय नहीं है माँ। मेरा संसार पुनः लक्ष्मी श्री से भर उठेगा। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ माँ, अवंती नगर के घर घर में मैं लक्ष्मी व्रत का प्रचार करूंगी। मेरे जैसे सबको आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए माँ। जितनी दूर तक शंख ध्वनि जाएगी उतनी दूर तक मैं प्रचार करूंगी लक्ष्मी व्रत की महिमा का। हाँ